तो पहले हमारी जिंदगी काफी अच्छी हुआ करती थी, घर का खाना वाना खा के लोग खुश रहते थे और स्ट्रीट फूड के नाम पे ना भजिया समोसा जैसे चार पांच आइटम्स मिलते थे मार्केट में। लेकिन जब से कलयुग शुरू हुआ है ना, अरे मेरा मतलब जब से इन फूड ब्लॉगर्स ने धरती पे जन्म लिया है ना, तब से इस धरती पे अंधकार छा गया है। इन फूड ब्लॉगर्स ने ना अपने चंद व्यूज के चक्कर में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कोई मैगी में फेंटा डाल रहा है, कहीं पे ओरियो के पकोड़े बन रहे हैं, कहीं समोसे में गुलाब जामुन डाले जा रहे हैं और कहीं पे गुलाब जामुन के समोसे बन जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हो, गरम दूध मिक्सी के अंदर? सर मजा आएगा। अरे भाई अब ये जा रही है इसके अंदर। क्या है ये? ग्रीन चिल्ली। अभी भी देखिए गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है भाई। मैं आपको पिलाना वाला हूँ मिर्ची वाली कॉफी। क्या बोला तूने? मिर्ची वाली कॉफी। मिर्ची वाली कॉफी। हाँ जी। लगा देगी ऊपर से नीचे तक आग। कैसे जलील है ये लोग, कॉफी में मिर्ची। मगर क्यों? साले कॉफी भी सोच रही होगी ये किसकी दुकान पे आ गई मैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। उस मिर्ची के साथ थोड़ा जहर भी डाल देता। और अब क्या डाल रही है? कॉफी मिक्सर के अंदर। अबे अंधा है क्या तू? अकल तो तुझे ऊपर वाले ने दी ही नहीं है, अब क्या कॉफी से पहले आंखों में मिर्ची चली गई तेरी? नानी। ये बंदा आंखों के सामने कॉफी डाल रहा है फिर भी उससे पूछ रहा है क्या डल रही है। मैं आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई हमारे देसी विराट कोहली से। भाई देसी विराट कोहली से है? देसी विराट कोहली? देसी विराट कोहली? अब ये हमारा वाला क्या विदेशी है? और ये क्या भाई, मुझे तो लगता है ये ऐसे नॉर्मली एक दो फीट ही उड़ाता होगा, मगर ये फूड ब्लॉगर से कैमरे देखकर ऐसे जोश जोश में 8-9 फीट उड़ा दिया इसने। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि ऊपर लगे हुए मकड़ी के जाले तो साफ हो गए वीडियो के चक्कर में। देसी विराट कोहली। ये वीडियो देख के कौन जाएगा खाने वो चीला, उल्टा उसके खुद के कस्टमर भी भाग जाएंगे ये सब देख के। डोसे का मतलब होता है मसाला और डोसा, पर इनके डोसे में सेब। अरे भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। अंगूर और ये अनार भी डल रहा है इसके ऊपर, डोसे में फ्रूट। अब मैं ये सब चीजें देख के मुझे हंसी नहीं आती, गुस्सा आता है। ये देखकर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझ के तरुण गिल वाली हरकतें करते हैं ताकि लोग इनको नोटिस करें। अब डोसा एक साउथ इंडियन डिश है, किसी मद्रासी ने तुझे देख लिया ना डोसे की ये हालत करते हुए, मैं बता रहा हूँ मद्रासी में ऐसी ऐसी गाली देगा तुझे कि तू बेइज्जत भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा तुझे। देखते हैं कैसे बनता है यहाँ का स्पेशल बबीता डोसा। और पता नहीं क्या सोच के नाम रखा बबीता डोसा। आईआर से डर नहीं लगता तुझे? साइंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट बम से उड़ा देगा। ओह नो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आज मैं बनाने आ रहा हूँ 40 घंटे का ऑमलेट। जिस बंदे ने चैलेंज पूरा किया उसे पूरे मिलेंगे 51,000 रुपए। अब ये भी सही है, अंकल जी 51,000 रुपए दे रहे हैं क्योंकि अंकल को अंदर से पता है कि अगर किसी ने ये खा लिया ना तो उसका हॉस्पिटल जाना पक्का है, और बाजू के हॉस्पिटल में अंकल की अच्छी सेटिंग है। एक हाथ से 51,000 रुपए दो और इलाज के नाम पे 3-4 लाख रुपए ले लो। वैसे अंकल का बिजनेस काफी अच्छा है। अरे वो अंडों का नहीं, हॉस्पिटल में पेशेंट सप्लाई करने का। This is business. और भाई 13 और भाई 14 और भाई ये 15, क्या बात है भाई। वो स्विमिंग पूल सा बन गया छोटे से पैन के अंदर है। मक्खन का ये गया स्विमिंग पूल में, आ भी जाएगा तो फिर कूद जाना उसमें। ये बंदा ना आंखों का अंधा नहीं है, दिमाग का अंधा है। साफ दिख रहा है अंडे है पतीली में, उसको ये स्विमिंग पूल बोल रहा है। अभी हमें इंदौर में मिस्टर भेल भंडारी के पास। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। बिल्कुल आपकी भेल बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आ रही है ये साथ में आ गई है नशीली पत्ते जिनसे आपको नींद जल्दी आ जाएगी। साथ में आ गई है नशीली पत्ते जिनसे आपको नींद जल्दी आ जाएगी। ये नशीले पत्ते हैं? मेरी माँ तो बचपन से इसे धनिया धनिया बोल के खिला रही है, उनको तो पता ही नहीं था ये धनिया नहीं नशीले पत्ते हैं। कभी तो सोचूं ये दाल वाल पी के मैं ऐसे हाई क्यों हो जाता हूँ। गांजा गांजा। अच्छा इसके ऊपर इंदौरी केसर डाल दिए है। बिल्कुल ये इंदौरी केसर। अच्छा छुपा दिया भैया ने। ये केसर है? मतलब बालाजी वाला इतने सालों से 5 रुपए में केसर बेच रहा है, और जो लोग इतने सालों से इसको केसर समझते थे ना
तो देख लो ये केसर नहीं है, केसर तो ये है। भैया मैंने सुना है आपके पास इंडिया की सबसे स्पाइसी चीज मिलती है कुछ। सर ये वर्ल्ड की सबसे स्पाइसीएस्ट भेल है। इतनी खतरनाक भेल है? बहुत ज्यादा सर, इसमें वर्ल्ड की सबसे स्पाइसीएस्ट चिली डलती ही होगा। भाई ने पता नहीं कैसे खा लिया, मेरी तो हालत। इस भेल वाले से चार दुकान छोड़ के एक हकीम साहब की दुकान है, और जब से ये भेल वाला फेमस हुआ है ना, तो वो हकीम साहब भी फॉर्म में चल रहे हैं कि इसकी ये वाली भेल खा के उनके बवासीर के कस्टमर बढ़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा, इसकी ये वाली भेल कभी गलती से भी ट्राई मत करना, वरना इतने सालों से जो सुबह सुबह पीली चीज निकलती थी ना, वो अब लाल लाल निकलेगी। सबसे पहले आ गए जी हमारे ऑनियन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं क्या बात है, मेरे को पता क्या बात है, इस बंदे को प्यास देख के ऑर्गेज्म आ रहा है। इस साले को एक प्लेट प्याज भी खिला दो, खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे ये तो। शाही पनीर बनाया शाही लोगों के लिए, और दाल मखनी बना रखी है उन लोगों के लिए जो लोग मक्खन लगा के काम निकलवाते हैं लोगों से। और ये क्या बात हो गई कि शाही पनीर शाही लोग के लिए, इस हिसाब से तो टुंडे कबाब टुंडे लोग के हुए, और फिर इस हिसाब से तो वो हॉट डॉग तो कुत्तों के लिए हुआ, और फिर दम बिरयानी तो सिर्फ दम मारने वाले ही खाएंगे। तो जी अनलिमिटेड ऑफर मात्र खिला रहे थे आपको अभी तक 100 रुपए में, लेकिन अब आपके प्यार की वजह से हमने ये ऑफर स्टार्ट कर दिया दोपहर को, अब आपको खिलाएंगे ये 150 रुपए में। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि इस बंदे ने 100 रुपए की प्लेट 150 में कर दी, और अगर आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहे तो अंकल जी 500 रुपए प्लेट भी कर देंगे। और ये कैसा प्यार है जिसमें फायदा सिर्फ एक ही पार्टी का हो रहा है। प्यार का नाम लेके ना अंकल जी बस लोगों का काट रहे हैं। काटने के मामले में तो अंकल जी मेरी एक्स से भी आगे निकल गए। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भैया जी नई स्कीम ये लेके आए हैं मात्र 170 रुपए में। चुप, बिल्कुल चुप।